नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश की महिला ब्रिगेड के अध्यक्ष के नेतृत्व में परिषद हापुड़ स्थित शहीद स्तंभ पर हिंदुस्तान के प्रथम CDS जनरल विपिन रावत की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर दिए गए और साथ ही गायत्री मंत्र का भी जाप किया गया। भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में जिला अध्यक्ष ज्ञानेंद्र त्यागी समेत वरिष्ठ जिला संयोजक हरिराज सिंह, युवा कमांड के जिला अध्यक्ष तरुण धानिनी और महिला ब्रिगेड की जिला अध्यक्ष नताशा त्यागी, जिला प्रवक्ता डॉक्टर सरगम अग्रवाल, प्रशासनिक सदस्य अनिल त्यागी और सेंट्रल चीफ ब्रिगेड ऑफ एक्स कैडेट्स रितेश कुमार मौजूद रहे। गत वर्ष पिछले वर्ष जो है आज ही के दिन जो है हमारे जो हिंदुस्तान के प्रथम जो CDS थे वो विमान जो हादसा हुआ उस दुर्घटना में वो शहीद हो गए। तो आज हमारी जो है राष्ट्रीय सैनिक संस्था, हमारी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष हैं श्रीमती सुमन त्यागी जी के नेतृत्व में, उन्हें जो है उनके चित्र पर जो है हमने आज पुष्प अर्पित करके जो है और गायत्री मंत्र पढ़ के जो है उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। पन्ना में एक व्यसक युवा बाप की पेड़ के फंदे में फांसी लगने से दस संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। देश की पहली घटना होगी जब एक बाप की फांसी लगने से मौत हुई है। इस संदिग्ध मामले की वन विभाग जांच करने में लगा है। SDF टाइगर टीम और बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि पन्ना में 2009 में बाघ पूरी तरह से खत्म हो गए थे। बाघों की दुनिया को दोबारा आबाद करने टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम चलाया गया और दुनिया का सफल टाइगर रिलोकेशन प्रोग्राम रहा और बाघों की संख्या बढ़कर 70 से ज्यादा हो गई। पर अब बाघ मरने लगे हैं। पन्ना में एक युवा बाघ की पेड़ से फांसी लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और हड़कंप अभी तक मचा हुआ है। है और फिर किस तरह से आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? यहाँ देर रात में एक शेर के मृत्यु की खबर मिली थी और सुबह देखने पे उसमें पंदा लगा हुआ मिला है। तो अभी डॉग स्क्वाड सतना और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के डॉग स्क्वाड ने अभी उसको सूंघ के और वो अभी ट्रैक पे गई हुई है। आगे फिर जो जांच में आएगा वो। ये पेड़ से लटका मिला है, फांसी लगी थी, आश्चर्यजनक घटना। चमोली जिले के गांव में 3 दिवसीय 15वां अमर शहीद सैनिक मेले का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आगाज हो गया। मोहम्मद सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद स्मारक में दीप प्रज्वलित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और अमर सैनिकों को नमन करते हुए 3 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया गया। शहीदों को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि वीरों की भूमि सवार मेले में आकर अत्यंत गौरवान्वित हो गई है और शहीदों के सम्मान में पिछले वर्ष वीर सैनिकों की भूमि सवार से ही शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत भी हुई थी। उन्होंने सभी को मेले की हार्दिक शुभकामनाएं दी। पंद्रहवें शहीद सम्मान मेले में आने का मौका मुझे मिला। इससे पूर्व में भी 5-6 बार यहाँ पर आया हूँ, 3 बार मेले में आया हूँ और 2-3 बार वैसे आया हूँ। और हमने जो शहीद सम्मान यात्रा शहीदों के सम्मान में निकाली उसकी शुरुआत भी हमने इस वीरों की धरती से की है। इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जिन्होंने देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। भारत के पहले रक्षा प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की पहली पुण्यतिथि आज है। दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वो शहीद हो गए थे और बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका सहित 11 अन्य अधिकारी भी दुर्घटना में शहीद हुए थे। भाजपा कार्यालय में बिपिन रावत की पहली पुण्यतिथि पर भाजपा के नेता जुटे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट प्रदेश कार्यालय मौजूद है। दिवंगत जनरल बिपिन रावत को उनकी पहली पुण्यतिथि पर पूरा देश मन, हृदय और आत्मा से नमन कर रहा है। MCD चुनाव के परिणामों में आम आदमी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। ये परिणाम पार्टी के नेताओं के दावों और विभिन्न
एग्जिट पोल के अनुरूप भले नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी पार्टी कड़े मुकाबले में भाजपा को पछाड़ने में सफल रही। एमसीडी की ये जीत पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वे दिल्ली में लगातार 3 बार में सत्ता में रहे हैं, इसके बावजूद वे निगम पर कब्जा नहीं कर सके। एमसीडी चुनाव जीतने के बाद अब पार्टी को बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना होगा। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा को लेकर कुछ ही दिनों पहले ग्रैब 3 के प्रतिबंध लागू किए गए थे, जिसमें गैर जरूरी निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर रोक लगाई गई थी। इसे लेकर बुधवार को केंद्र के वायु गुणवत्ता चैनल ने दिल्ली एनसीआर में इन प्रतिबंधों को हटाने का आदेश दिया था। इसके तहत BS3 इंजन के वाहनों के परिवहन पर भी रोक लगाई गई थी। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई करने वाली कमेटी ने यह निर्णय दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार होते देख किया है। बता दें कि बुधवार को दिल्ली की AIR क्वालिटी इंडेक्स 304 दर्ज की गई थी। बता दें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मिशन ड्रग फ्री देश भूमि 2025 को सफल बनाने के लिए ASP श्री अजय सिंह द्वारा किए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान अभियुक्त मूसा उर्फ काला को 5.50 ग्राम अवैध स्मैक और डिजिटल तराजू के साथ दबोचा है। पुलिस ने अपराधी के विरुद्ध NDPS एक्ट पंजीकृत किया और साथ ही बता दें अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। बता दें शानदार शाह में आज छोटू महाराज सिनेमा कैफे रेस्टोरेंट का जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और आस्था फाउंडेशन के संस्थापक अमित सैनी के सौजन्य से यह उद्घाटन समारोह किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने कहा कि आज छोटे महाराज की एक फ्रेंचाइजी का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है और बड़े हर्ष की बात है कि पूरे उत्तराखंड में जनपद हरिद्वार को यह सौभाग्य मिला। मेरे अपने और सब आए हैं यहाँ पे, बड़े और छोटे जितने भी लोग हैं, और जो ये उत्तराखंड के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं हम, छोटू महाराज सिने रेस्टोरेंट और कैफे। इसमें आपका जो है सिनेमा का जो आपकी मूवी चलती है वो उसका भी आप इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, और अपना वेज रेस्टोरेंट जो हमने इसकी बराबर में बनाया है उसका भी जो है आप पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं। कसावा तहसील में खनिज विभाग द्वारा मुखबिर की सूचना पर अवैध उत्खननकर्ताओं को धर दबोचा। जानकारी के अनुसार सुबह सुबह के वक्त खनिज अधिकारी प्रियंका अजनारे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची, जहां उत्खननकर्ता भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खनिज अधिकारी और उनकी टीम की सजगता से 2 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया है जो बालू रेत का अवैध उत्खनन कर रहे थे, जिनको खनिज विभाग द्वारा पुलिस थाने की अभिरक्षा में खड़ा किया गया, जिन पर अवैध उत्खनन की धाराओं में कार्रवाई की गई। आज हम लोगों ने अवैध उत्खनन रेत खनिज रेत के अवैध उत्खनन परिवहन की शिकायत मिलने पर बड़गांव गांव में हमने कार्रवाई करी है। 2 ट्रैक्टर हम लोगों ने जब्त करे हैं अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर। मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम में हम कार्रवाई करेंगे। इस पर अक्सर के पास एक चलती बैटरी रिक्शा में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। रिक्शे में बैठी 2 सवारियों और रिक्शा चालक ने खुद अपनी जान बचाई। दरअसल एक बैटरी रिक्शा चालक लक्सर स्थित शिव चौक के पास से 2 सवारियों को बैठाकर सुल्तानपुर गांव की तरफ जा रहा था। जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा तभी अचानक उसकी रिक्शा में धुआं उठने लगा। धुआं उठते ही देख रिक्शे में बैठी 2 सवारी और रिक्शा चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते रिक्शा में आग बढ़ने लगी। आसपास मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। तभी मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने जैसे तैसे करके रिक्शा के तार हटाए। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि इस बारे में ये कोई भी फैसला भारतीय जनता के हितों को सर्वोपरि स्थान देने हुए करेगा। राज्यसभा में भारत की विदेश नीति पर वक्तव्य देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चाहे ईंधन खरीदने की बात कही हो, फर्टिलाइजर खरीदने की बात हो, इसमें भारतीय आवाम को सबसे पहली प्राथमिकता मानते हुए हितों को ध्यान में रखते हुए करेंगी। इसके साथ ही विदेश मंत्री ने चीन के साथ रिश्तों का सामान्य बताते हुए दो टूक कहा कि हमारा मत स्पष्ट है कि चीन को मनमाने तरीके से वास्तविक सीमा रेखा
एलएसी को नहीं बदला सकता। सिंगरौली जिले के अध्यक्ष अनुराधा सिंह और उपाध्यक्ष विजय गुप्ता की सीएमओ नगर परिषद सरई जितेंद्र कुमार वर्मा द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बता दें कि नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव होने के करीब 1.5 महीने बाद शपथ ग्रहण हो पाया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को हुआ था। आज शपथ ग्रहण के पर्व माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पार्षदों के साथ सभी सम्मानित लोगों का माल्यार्पण और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया। क्योंकि जितने नवीन नगर परिषद बने हुए थे तो प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी भी नगर परिषद में अभी शपथ ग्रहण नहीं हो पाया, क्योंकि नया नगर परिषद का गठन हुआ है, व्यवस्थाओं को बनाने में थोड़ा प्रशासन को दिक्कत हुआ, इस कारण से थोड़ा सा लेट किए। आज हो गया, उन्होंने शपथ ग्रहण कराया हम लोगों का, हम लोगों ने शपथ लिया। अब आज से कार्य योजना हम लोगों की बननी शुरू हो जाएगी, बैठकें शुरू हो जाएंगे और विकास कार्यों को लेकर हम लोग सजग रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।